आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जीमेल आईडी कहां कहां लॉगिन है। अगर आप अपनी उसी जीमेल आईडी में गूगल ड्राइव पर कुछ अपलोड करते हैं तो ये डेटा उनके पास भी शो होगा जिन्होंने आपकी जीमेल आईडी को अपनी डिवाइस में लॉगिन कर रखा है, जो कि सेफ नहीं है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जीमेल आईडी कहां कहां लॉगिन है और आप उसे कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सबीहुल आरफीन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जीमेल आईडी को दूसरी डिवाइस से लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको myaccount.google.com लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस वेबसाइट में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हमें ऊपर की तरफ एक टैब देखने को मिल जाती है, पर्सनल इन्फो। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तब हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम पता कर सकें कि हमारी जीमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है और उसे हम कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। अब हमें ऊपर की तरफ एक दूसरी टैब देखने को मिल जाती है, डेटा एंड प्राइवेसी। जब हम इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी हमको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम पता कर सकें कि हमारी जीमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है और उसे हम कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। अब हमें एक और टैब देखने को मिल जाती है, सिक्योरिटी। जब हम इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करते हैं तब हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, योर डिवाइसेस। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि आपकी जीमेल आईडी को किस किस डिवाइस में लॉगिन करके रखा गया है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जीमेल आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन है और यहाँ से आप उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी जीमेल आईडी इस वाले मोबाइल में लॉगिन है और इस वाले लैपटॉप में लॉगिन है। हम लैपटॉप से जीमेल आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइन आउट। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जिस डिवाइस को आपने सेलेक्ट किया है उस डिवाइस से आपकी जीमेल आईडी लॉग आउट हो जाएगी। अगर हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो लैपटॉप से हमारी जीमेल आईडी लॉग आउट हो जाएगी। लेकिन गाइस, हम यहां पर अपनी जीमेल आईडी को लॉग आउट नहीं करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप अपनी जीमेल आईडी को दूसरी डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हैं। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपनी जीमेल आईडी को दूसरी डिवाइस से लॉग आउट कैसे किया जाता है।